पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ ने देर रात घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। तलाशी के दौरान AK-47 समेत कई हथियार यहां से बरामद हुए हैं। अहम जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, और इस बीच बीएसएफ जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। एक पिस्तौल, 4 और 9 मिमी की मैगजीन और AK-47 राइफल यहां से बरामद की है। हम आपको दिखा रहे हैं जो हथियारों की बरामदगी हुई है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से यहां सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है, और इस बार जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी वो ये बताया जा रहा है कि आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी आतंकवादियों की तरफ से, और उसे बीएसएफ के जवानों ने इस साजिश को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार सीमा पार से जो नापाक साजिश है उसको अंजाम देने की फिराक में घुसपैठिए। और अब अहम जानकारी ये सामने आ रही है कि आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। यहां से कई हथियार बरामद हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तलाशी के दौरान ये जानकारी मिल रही है कि एक पिस्टल यहां से साथ साथ AK-47 भी बरामद हुई है। तस्वीर इस वक्त हथियारों की आपके सामने। घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश सेना की तरफ से नाकाम कर दी गई है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी चल रहे हैं, तो ऐसे में आतंकवादियों से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिरकार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ वो इतना शांतिपूर्ण तरीके से क्यों हुआ। और अब चूंकि सेकेंड फेज में भी वोटिंग होनी है, थर्ड में भी वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले ही सेना ने इस साजिश को, इस कोशिश को, जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, उसे नाकाम कर दिया है।